शामदील दूध इब्राहिम ये तो स्टूडेंट्स आज जो नाइन्थ की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का हम आठवां और नौवां न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ये तो शार्ट से हैं छोटे छोटे से हैं बस ऐसे देख रहे हैं हम आठवां न्यूमेरिकल जो है ये कह रहा है किन मकदारों में अहम इनसे तीन है ये उसने कुछ मकदारें दी हुई हैं ए बी सी और डी तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मकदार ऐसी है जिसमें अहम इनसों की तादाद कितनी है तीन है तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं बारी बारी हमें चेक करने के किस में अहम इनसे तीन है अब इसमें हमने इसके जो रूल्स थे अहम इनसों के रूल अगर जीरोज जो हैं ये दरमियान में आ जाएँ गैर सिफरी इनसों के दरमियान में आ जाएँ तो ये अहम हो जाते होते हैं इसमें एक दो तीन चार और पाँच इसमें पाँच अहम इनसे हैं तो उसने पूछा है कि इसमें तीन है तो इसमें पाँच है इसका मतलब ए नहीं होगी उसके बाद बी पे आ जाएंगे बी में कितने बन रहे हैं 309 ठीक हो गया अब ये जो जीरोज है आपने रूल पढ़ा होगा उसका रूल में ये लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट साइड पे जीरोज आ जाएं जो लेफ्ट साइड पे जीरोज आ जाएं वो अहम इनसे नहीं होते तो इसमें एक दो और तीन है इसमें अगर जीरो दरमियान में आ जाए गैर सिफरी इनसों के दरमियान में आ जाए तो वो अहम हो जाता होता है अब ये देखें ये जो जीरो है इसको हमने अहम इनसों में काउंट करना है इसको लेकिन ये जो है ये जीरो इनको हमने काउंट नहीं करना तो इसका मतलब है बी जो है हमारे पास मकदार है इसमें अहम इनसे एक दो और तीन है तो आंसर में इसका मतलब बी है बी में भी है उसके बाद सी चेक करते हैं दस की ताकतों में भी देखते होते हैं उससे जो पहले मुकम्मल हिस्सा होता है ज़रा वो खारा होता है उससे उसमें देखते होते हैं कितने इसमें भी जीरो दरमियान में आ रहा है तो एक दो और तीन इसमें हो जाएंगे इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है अब इसमें राइट साइड पर जो जीरो आ जाए वो अहम हो जाता होता है शारी के बाद जो फर्स्ट जीरो होता है जीरो आ जाए तो ये जीरो जो है ये भी अहम हो गया एक दो तीन और चार इसमें चार है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो मकदारें बी और सी ऐसी हैं जिनमें अहम इनसों की तादाद तीन है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन बी और सी में अहम इनसों की तादाद तीन है अहम इनसों की तादाद तीन है बस यही इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद ये जो नाइन्थ है इसमें कहते हैं अहम इनसों की तादाद कितनी है आपने अहम इनसों की तादाद बतानी है उसको तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा ये देख लें जरा इसमें अहम इनसे पहले जो ए है ए में बल्कि ए ना लिखें आप इसमें जो है ना इसकी वैल्यू लिख दें आंसर में ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है हमें तो ए में जो है 1.009 में अहम हिंसों की तादाद आप देखें दरमियान में जीरो आ जाए जीरोज अगर आ जाए तो वो अहम हो जाते होते हैं तो एक और नौ ये दोनों गैर सिफरी इनसे इनके दरमियान में जीरो आ गए एक दो तीन और चार इसमें अहम इनसों की तादाद बराबर है चार आप ऐसे लिख देंगे बराबर है चार है अब जो है दूसरा ही जो है हमारे पास मकदार वो है 0.00450 अब इसमें देखें कितने हो गए अब ये जो है लेफ्ट साइड पे जो जीरोज आ जाए उनकी कोई वो अहम नहीं होते तो 4, 5 और 0 इसमें कितने आ जाएंगे राइट साइड वाला जीरो जो है ये हमें काउंट होगा ये जीरोज नहीं होंगे तो 1, 2 और 3 ये वाले तो इसे हम लिखेंगे 0.00450 इसके साथ एम लिखा था उसने एम लिख दें इसके साथ किलोग्राम है किलोग्राम लिख दें किलोग्राम में अहम हिंसों की तादाद ऐसे आपने लिखना है सारा कितने इसमें तीन है ऐसे तीन चलो मैं दूसरे के साथ हाईलाइट कर देता हूँ उसको उसके साथ लिखा हुआ ये बन जाएंगे हमारे पास जी कितने बन जाएंगे 1, 2, 3 इसमें तीन इसके बाद जो है सी पार्ट 1.66 दस की ताकत जो है ये -27 किलोग्राम में अहम हिंसों की तादाद ये कितनी है हमारे पास इसमें क्या करना है हमने 10 की ताकत इसको छोड़ देना इसमें नहीं इसमें जो ज़रब से पहले का ऐसा होता है 10 की ताकतों वाले रकमों में डिजिट्स में रकमों में उसमें क्या होता है इसमें ये जो पहले वाला हिस्सा होता है इसमें चेक करते होते हैं तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों जो डिजिट्स दिए हुए उसने ये गैर सिफरी है नॉन जीरो तो तीनों के तीनों अहम हो जाएंगे तो इसमें हैं बराबर जी तीन हमारे पास इसकी जो हमारे पास दाद आ जाएगी वो तीन आ जाएगी और जो 2001 लास्ट वाला डी पार्ट है
2001 सेकंड में अहम हिंसों की तादाद ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, ये जीरोस दरमियान में आ गए हैं, इस साइड पे दो लगा हुआ है, साइड पे एक लगा हुआ है, दरमियान में जीरोस आ जाएं तो जीरोस भी अहम हो जाएंगे, ये एक दो तीन और चार आ जाएंगे, तो ये भी हमारे पास चार आ जाएंगे इनकी वैल्यू, तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है अहम हिंसों वाले हमारे कम्प्लीट हो गए हैं। बहुत शुक्रिया।